सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारा सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का अटेम्प्ट क्रैक नहीं हो पाया है और खासकर लॉ के कारण क्रैक नहीं हो पाया है, तो ऐसे केस के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमने कुछ इंटरव्यूज लिए थे बेटा, जो इस बार के टॉपर आए थे है ना, उनका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था इसी चैनल के। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको इंटरव्यूज दिख जाएंगे, आप जरूर से चेक कीजिएगा उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। खैर, उसके अलावा मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अभी कि नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी तक हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे है ना, तो लगभग लगभग हमारे पास 70 दिन है बेटा इस एग्जाम्स को पढ़ने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है या जिसको कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा दिक्कत है, कंसेप्चुअली दिक्कत होने का अर्थ ये होता है बेटा कि आपको आइडिया नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है कि लॉ अप्लाई कैसे होने वाला है, किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन पूछने पर क्या जवाब लिखना चाहिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है या क्वेश्चन एंड आंसर्स में भयंकर दिक्कत है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से आंसर पर लगने वाला है, या अगर लग रहा है तो कितना उसमें लिखना पड़ता है, ये सब चीजों में अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे दो प्रकार की चीजें हो सकती है। ठीक है, तो एक बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फ पढ़ाई कर सकता है जब उसको ऐसा लग रहा है कि यार, अगर ये कैटेगरी वन स्टूडेंट है जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कंसेप्चुअल कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, बस मुझे सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप चले जाना, आपको स्पेशल 26.5.2 की रिविजन प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिससे आप टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं, यूनिट वाइज आप रिविजन कर सकते हैं, और साथ साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, जिसके कारण आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कंसेप्ट भी हो गया और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो गए। ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप यूट्यूब के ऊपर बिंदास तरीके से देख सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमारी चार्ट बुक या क्वेश्चन बैंक, चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर हमने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जितने भी ये सारे इसके अंदर कवर्ड हमने कर रखे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं igsir.in से, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि सीए फाउंडेशन क्वेश्चन बैंक, तो मतलब ये एक ऐसा रिसोर्स है बेटा जिसके अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हैं, और वो भी एज पर आईसीए फॉर्मेट। खास बात ये है चार्ट बुक की कि इसके अंदर 140 पेजेस में मैंने पूरा समराइज करके रख दिया हूं लॉ को, मतलब लिटरली पूरे लॉ को हमने समराइज करके रख दिया है, और वो भी आईसीए मॉड्यूल से। तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब 140 पेजेस में अगर पूरी समरी आपको लॉ की मिल रही है तो नथिंग लाइक इट। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। हार्ड कॉपी में आपके घर पर किताब आती है बेटा, और सॉफ्ट कॉपी में आपको हमारी पीडीएफ मिलती है, और वो भी किसके ऊपर, ऐप के ऊपर आपको हमारी पीडीएफ मिलती है। ठीक है सर, प्रॉपर एड्रेस आपने डालना है, ध्यान रखना हाउस नंबर, फादर नेम, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ आपको डालना है जब आप हार्ड कॉपी ऑर्डर कर रहे हो, तो अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होती है फिर बुक रिसीव करने में, तो ऐसा मत करना, प्लीज पूरा पूरा एड्रेस लिखना। मतलब ये बेसिक बात है बेटा, बट बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे ये बेसिक बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, यस। अब ये तो हो गया कैटेगरी ए वाले बच्चों के बारे में जिनको बहुत ज्यादा उतनी दिक्कत नहीं है कंसेप्चुअल एरर से रिगार्डिंग, जो सेल्फ स्टडी से ओवरकम कर सकते हैं चीजों को। अब मैं बात करूंगा ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेटा जिनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जिनको कंसेप्ट का एप्लीकेशन नहीं आता, जिनको लॉ लिखते नहीं आता, जिनको लॉ कुछ नहीं समझता, सिट्टी पिट्टी गुले लॉ के नाम पर। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं अभी क्या होता है, समझना, अभी बच्चे जब क्लियर नहीं करें ना, मान लो उनको लॉ से डर है ना, तो वो क्या करेंगे, अभी लॉ सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, अभी वो शुरुआत करेंगे अकाउंट से, फिर वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पूरा निपटा देंगे, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक बार का मैथ्स हो गया, है ना। जनरली बच्चे दो ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, एक मैथ्स और लॉ। ऐसा कभी सुनने में नहीं आता है कि एकदम इकोनॉमिक्स में बहुत तकलीफ होगी या अकाउंट्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, हो सकता है आपको हो, लेकिन ऐसा ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैथ्स या लॉ, ये दो ही थोड़े गले के फंदे बन जाते हैं। ठीक है, यस। तो अब देखो अगर आपको ऐसा जेन्युइनली लगता है, ये आपको डिसाइड करना है आपको लगता है या नहीं लगता है, करके आपको जेन्युइनली लगता है कि यार लॉ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बट मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आपको कंसेप्चुअल एरर है और आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, तो ये बैच आपके लिए है, फास्ट ट्रैक बैच, जिसकी प्राइस हमने बहुत ज्यादा कम रखी है, और इस कम प्राइजेस में हम आपको चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों देने वाले हैं, हार्ड कॉपी घर पे भिजवाने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। ठीक है,
इसमें मैं आपको 100% कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, चार्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक से कवर करवाऊंगा, 90 आवर्स, समझ लेना बात को, 90 आवर्स के अंदर आपका पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कवर हो जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, जैसे रेगुलर क्लासेस में 4 एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स होंगे, इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस यहाँ पे भी होती है, वहां पे भी होती है, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलने वाले हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, हमने ये बैच है ना 3 अक्टूबर को ही जानबूझ के स्टार्ट कर दिया था, क्यों सर, आपको पता था रिजल्ट लेट है, देखो लेट अक्टूबर में रिजल्ट था, एग्जैक्ट तारीख तो किसको पता नहीं थी, लेकिन एक बात बताओ कि हम जानते थे कि जब रिजल्ट आएगा ना तो अब क्या होगा कि बच्चे को, अब जैसे बच्चे को अचानक से कंटेंट चाहिए उसको पढ़ने के लिए, बट लाइफ में लिमिटेशन होता है, मैं दिन का 1.5 घंटा 2 घंटे ही पढ़ा पाऊंगा, तो मेरा अगर कुछ टॉपिक कवर होगा तो बच्चा मेरे साथ लाइव भी कर पाएगा और रिकॉर्डेड भी कर पाएगा, तो आप अपने पेज से रिकॉर्डेड वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे जो मैंने अभी तक पढ़ा चुका हूं, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP, ये तीनों हो चुका है मेरा, तो आप इसको अपने पेज से कवर कर सकते हैं। और 4 नवंबर से मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ एब्सोल्युटली लाइव, ठीक है ना, तो आप ये मेरे साथ लाइव जुड़ जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SOGA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, IRF, ये आप मेरे साथ लाइव कर लीजिएगा बेटा, और बढ़िया से और अपने पेज के ऊपर रिकॉर्डेड भी करते हुए चलना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फास्ट ट्रैक बैच का और इसके डेमो लेक्चर्स के, डेमो को आप जरूर से देखिएगा, मैंने पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट डेमो लेक्चर्स के तौर पर यूट्यूब पे डाल दिया हूं, लगभग 8 लेक्चर्स में हमने कंपनीज एक्ट के कंसेप्ट भी पढ़ाए और उसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है, आप एक बार चेक कीजिए, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कीजिए, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बैच को ज्वाइन करो, पहले देखो, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है ना, यस समझ रहे, ओके डन है इतना, यस। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, जेन्युइनली आपकी चॉइस है या आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको बहुत दिक्कत है कंसेप्ट में तो डेफिनेटली जाइए, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है मैं कहूंगा फिर स्पेशल 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप बिंदास कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आपको उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको उतना फोकस वाली चीजें नहीं होती है, आपको 90% ऑफ चीजें पता होती है कि आपका क्या है यहाँ पे, कितना आपको आता है कितना नहीं आता है करके, राइट, यस। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स लेती है बेटा, तो आप जरूर से इफ पॉसिबल हो तो ICI विजिट कीजिए और वहां पे जाके ये मॉक टेस्ट पेपर को दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्टर की तरह काम करेंगे, MTP सभी लोगों ने देना ही चाहिए, और कम से कम प्लान करो कि 2 से 3 रिविजन आपकी हो बेटा, कम से कम 2 से 3 रिविजन होनी ही होनी चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और प्लीज किसी भी आपको ज्यादा सेकेंड थॉट देने की जरूरत नहीं है कि मैं May 25 में शिफ्ट कर दूं क्या, इतने कम समय में हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो पाएगा, आज तक लोगों ने किया है और ये तो फाउंडेशन है बेटा, मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें 1.5 महीने में 2 ग्रुप निकाला एक बच्चे ने, मैं बहुत जल्द उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, 4 नवंबर के साथ इंटरव्यू डेट भी हमारा शेड्यूल्ड है, मैं भी कुछ दिन नागपुर में नहीं हूँ, 1-2 दिन 2 और 3 नवंबर को, तो 4 नवंबर को हमारा इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है उसके साथ, है ना, तो जब बच्चा इंटर के बोथ ग्रुप निकाल रहा है 6 सब्जेक्ट, तो फाउंडेशन है ही क्या उसके सामने बेटा, फाउंडेशन का 7 टाइम्स इंटर होता है, इंटर का 7 टाइम्स फाइनल होता है, आप समझ रहे हैं, तो ऐसे केस में बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको जो लगे जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे वीडियोस मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊंगा, राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल के ऊपर, अगर आप नए है इस चैनल के ऊपर, और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा जिनका फाउंडेशन January 25 का अटेम्प्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।